नमस्कार दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत जो कि इस वक्त अन्नाथी उनकी एक फिल्म है उसके लिए शूट कर रहे थे पिछले 10 दिन से हैदराबाद में, फाइनली उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अन्नाथी फिल्म के 4 क्रू मेंबर्स पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे और उसके बाद सारी यूनिट का टेस्ट किया गया, पूरी फिल्म यूनिट का टेस्ट किया गया। तो रजनीकांत का तो टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन उनके ब्लड प्रेशर में बहुत सीवियर फ्लक्चुएशन दिख रहा है। इसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैदराबाद, और बहुत क्लोजली उनकी हर एक जो ब्लड प्रेशर की एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और इसके अलावा सन पिक्चर्स की ये मूवी है और रजनीकांत की हालत थोड़ी सी गंभीर चल रही है। और किसी क्रू मेंबर को एडमिट नहीं किया गया, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी टेस्ट हुए, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी टेस्ट हुए, लेकिन क्रू मेंबर को एडमिट नहीं किया गया, सिर्फ रजनीकांत को, क्योंकि उन्हीं के ब्लड प्रेशर में बहुत सारे सीवियर फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे थे। अब ये कितना ज़्यादा गंभीर है ये तो हॉस्पिटल वाले कुछ दिनों में बताएंगे ही, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बताया केवल कि ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशन है, इतनी इतनी तारीख को ये एडमिट किए गए थे और इसके बाद वो अपनी शूटिंग पे लौटेंगे अगर उनकी हालत ठीक रही तो। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये, क्योंकि रजनीकांत की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। खैर, आप लोग देखते रहिए सिने स्पीक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।